सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग मेरे अराउंड जो ठंडी है उसको आप लोग देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाउ कोल्ड इज ओवर हियर एंड हाउ वी आर सर्वाइविंग आवर लाइव्स। आज मैं आप सभी को बस मैं अपने गांव का सीन दिखाना चाहता हूं कि कैसी ठंडक यहां पे पड़ रही है और हम लोग कैसे यहां पे सरवाइव कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और आसपास के जितने भी खेत खलियान, और अभी तो खाली तो खेत कोई भी नहीं है, सब गेहूं की जो बुआई होती है वो हो चुकी है और सब लोग पानी चला रहे हैं। गेहूं के लिए भी तो पानी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी जब बिना पानी के नहीं रह सकते हैं तो वो लोग भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए पानी सब लोग चला रहे हैं। तो वही सब मैं आप सबको दिखाऊंगा। और अभी मैं प्लान बना रहा हूं कि मैं अपने चौराहे पे जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि गाँव में चौराहे बड़े फेमस होते हैं। चौराहे फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए, बस ठीक है तो मिल जाती हैं, तो इसलिए सब कोई चौराहे पे जाता है सुबह सुबह। यहाँ की रीति कहें या प्रथा कहें, जो भी कहें, सब लोग चौराहे पे जाते हैं, अपने घर का चाय छोड़ करके सब लोग चौराहे पे जाते हैं चाय पीने। तो उसी का मुझे भी लत लग गया है सुबह सुबह चाय पीने का दोस्तों के साथ। तो अभी मैं प्लान बना रहा हूँ, दोस्तों के साथ जाऊँगा चौराहे पे। और आप लोग को याद होगा मैंने एक वीडियो में प्रकाश चाय वाले की जिक्र की थी, उसी के हम लोग जाते हैं चाय पीते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी होती है, कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कुछ मैं अपने साथ में लेके जाता हूँ कुछ दोस्तों को, कुछ को बुलाता हूँ वहाँ पे, हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, आई मीन अलॉन्ग विथ मस्ती हम लोग चाय भी पीते हैं। और वही सब दिखाऊँगा और जितने भी अभी तो आसपास मेरे कुछ कमी देख रहे हो, अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। खेत के बाहर आपको खेत नहीं दिखाई दे रहा है साफ से, कि इतना सारा फॉग है कि खेत भी नहीं दिखाई दे रहा है, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो बात ये था कि आज की जो व्लॉग होगी उसकी स्टार्टिंग की जो ऑडियो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आज मैं फ़ोन के माइक से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो माइक है वो मैं अपने दोस्त को दे दिया हूँ, उसने भी एक यूट्यूब चैनल बनाई है और उसके चैनल का नाम है आफत न्यूज़, और उसके चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग चेक कर सकते हो। बेसिकली वो करता क्या है, वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके न्यूज़ को कवर करता है कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं, अगले दिन वो कौन से सॉन्ग को लॉन्च करने वाले हैं, अगले दिन कौन सा कौन यूट्यूबर कौन सा वीडियो बनाने वाला है, सारी चीज़ों को वो कवर करता है, तो अच्छा बनाता है वीडियो, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। तो बीच में मैंने थोड़ी गैप भी ले ली वीडियो बनाने से, व्लॉग बनाने से, क्योंकि कुछ एकेडमिक कामों में मैं बिजी था और कुछ शादी वगैरह अटेंड करना था, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो माइक का वैसा कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं माइक उठा के उसको दे दिया कि भाई ले तू अपना काम चला, और जब मेरे को ज़रूरत होगा तो मैं मांग लूँ, हो सकता है वो ज्वाइन करे इस व्लॉग में, नहीं भी कर सकता है। तो अभी मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता हूँ, दोस्त यानी जो यहाँ पे गांव के जो मेरे दोस्त हैं, बेसिकली वो सारे मेरे जूनियर्स हैं, तो बहुत अच्छे हैं सब, बहुत साथ देते हैं मेरा, तो इसलिए मैं उनको दोस्त ही बुलाना अच्छा समझता हूँ, इसीलिए मैं अभी उनको कॉल करूँगा और बुलाऊँगा और चला जाएगा सीधे चौराहे पे। ठंडी को भी दिखाऊंगा यहाँ की कि कैसे हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं मैं शिवर कर रहा हूँ, क्योंकि ठंडक ही ऐसी है, ये ठंडक किसी को भी हिला सकती है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो मेरे स्टेट में मेरे एडजेसेंट में रहते हैं, जो जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के करीब में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं मेरे, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसे ही स्वेटर वगैरह पहने रहिए, टोपी वगैरह पहने रहिए,
और ये जो टोपी है ना, ये टोपी से, सिर्फ टोपी से काम नहीं चलता है, अभी इसके बाद भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टोपी से काम नहीं चलेगा। इतनी ठंडक है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर बता दे तो, कल कल मैंने देखी थी, अभी तो आज मैं बाय डिफ़ॉल्ट देख नहीं पाया, अभी इस टाइम 10 के नीचे ही होगा, तो आई थिंक 8 या 9 डिग्री होगा अभी, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो चलते हैं, फिर मस्ती करते हैं, चाय पीते हैं, सब आपको दिखाते हैं, चलिए फिर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे सारी जो खेत खलियान है, कितने सारे फॉग हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कैसे इस ठंडी में सरवाइव करते हैं और कैसे जीते हैं, सारे चीज़ों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं अलॉन्ग विथ माई वन फ्रेंड। तो अभी कुछ 2-4 लोग हैं जो अभी सो रहे हैं, और कुछ को मैंने उधर बुलाया है, तो अभी सारों को मैं दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चाय की दुकान पे पहुंच चुके हैं, और अभी आप देखिए, ये इनका स्टोर किया हुआ दूध है, और ये है इनका पॉट जिसमें ये चाय बनाते हैं, और पता नहीं कौन सी जादू रहती है जिसके वजह से चाय बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही इनकी तारीफ कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस वीडियो को स्पॉन्सर किए हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है कि कोई मेरे को स्पॉन्सर करेगा। दिखाया कैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं, चौराहे पे चाय पीते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। तो आज जो प्लान मैंने बनाया था वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो अगले दिन मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी सारी मस्ती होती है। हम लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के साथ साथ मस्ती भी करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पुलिया, यहाँ पे कभी कभी बैठते हैं हम लोग, और बैठ के थोड़ा इधर उधर का कुछ डिस्कशन होता है। मेरे जो दोस्त हैं वो सिर्फ ये हैं, हाय बोलो भाई। हाय, इनका नाम आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, क्लास 8 में पढ़ता हूँ मैं। अभी बहुत जूनियर है ये मेरे से, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के बहुत साफ आदमी हैं ये।
यही सब हैं, साथ में घूमते फिरते हैं। हम लोग का ICRDSI का एक मीटिंग है, उसको अटेंड करना है 10:30 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक है वो। और एक्चुअली उसमें हम लोग एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो कल हम लोग का वो PPT था प्रेजेंटेशन, वो हम लोग दिए, तो आज उसका वेबिनार हो रहा है। तो वेबिनार के लिए हमारे जो सीनियर जो टीचर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मतलब हम लोग का वो एक वो है कि ज्वाइन करें हम लोग और मीटिंग को और वेबिनार को सक्सेसफुल बनाएं। तो अभी वही चीज़ करना है, और बाकी का कहीं अगर जाना होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सारे चीज़ों को दिखाऊंगा। आई थिंक जाना तो पड़ेगा ही, कुछ काम है घर पे, तो जहाँ जाऊंगा मैं दिखाऊंगा आप लोग को। तो आज का ये व्लॉग अभी मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करूँ, और बाकी जो बाद में जो होगा वो अगले व्लॉग में मैं दिखा दूंगा आपको। तो आशा करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा, फूड व्लॉगिंग भी करूँगा, और एक्सप्लोर करूँगा अच्छी अच्छी जगहों को। तो अभी मैं प्लान बना रहा हूँ कुछ अच्छी जो जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करने का फिर से। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली के बीच में देखने लायक नहीं है, देखने लायक है, तो आप लोग फैमिली के बीच में फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो चलिए फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं।